दिल्ली में सिविल लाइंस के एक घर में दो लोग फंसे हुए थे जिनका रेस्क्यू किया गया। देखिए कैसे संकट में फंसे हैं दिल्ली वाले। यमुना का पानी आसपास के इलाकों में पहुंच गया है तो कई घर भी डूब रहे हैं। आपको तस्वीरें दिखाऊं तो सामने आप देख पाएंगे कि सामने जो घर है वो डूबे हुए हैं, जो लोग खड़े हैं उनके भी गर्दन तक पानी पहुंच गया। तो ऐसे में दिल्ली पुलिस भी जो है ऐसे में लोगों के लिए रेस्क्यू करने के लिए यहाँ पर उतरी है। और मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पर दिल्ली पुलिस के दो जवान आप देख सकते हैं इस तरीके से जो रस्सी है उसे बांध कर जो लोग अंदर फंसे हुए हैं उन तक यहाँ पर पहुँचाया जा रहा है ताकि जो लोग हैं वो बाहर आ सके। और ये देखिए दिल्ली पुलिस का रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से जो लोग फंसे हुए हैं अंदर उनको बाहर यहाँ पर निकाला जा रहा है। और थोड़ा अंदर जाकर हम भी आपको दिखाते हैं कि जो पानी है, क्योंकि देखिए ये सामने जो आप डिवाइडर देख रहे हैं वहाँ भले ही पानी कम है लेकिन अंदर की तरफ देखिए पानी बहुत ज़्यादा है। क्या नाम है आपका? मोनू सर। मनु कब से फंसे हुए थे? सर 2 घंटे से हो गए फंसे हुए। फिर आपने 100 नंबर पर कॉल किया? जी सर, जी सर कॉल किया सर। फिर आपको बचाने के लिए लोग आए? जी सर, जी सर बचाने के लिए। आप कितने लोग फंसे हुए अंदर? सर 2 ही लोग थे, बस निकल आए तो 2 लोग। और आप भी रस्सी पकड़ के थोड़ा आइए आगे की तरफ। ये देखिए इस तरीके से जो रेस्क्यू ऑपरेशन वो चलाया जा रहा है। फिलहाल दिल्ली जो है वो मुसीबत में है तो ऐसे में NDRF से लेकर के दिल्ली पुलिस, सिविल डिफेंस, तमाम जो बल हैं वो लगे हुए हैं। और आपको बता दें कि दिल्ली की स्थिति को देखते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने चीफ सेक्रेटरी से कहा है कि वो आर्मी और NDRF की जो जो मदद है वो भी लेने की यहाँ पर कोशिश करें। तो ये देखिए यहाँ पर इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। पानी देखिए कितना है। क्या नाम है आपका? दिनेश कुमार। दिनेश कब से आप फंसे हुए थे? कल से फंसा हूँ। कल से? हाँ जी। तो फिर निकलने के लिए कोई बचाने नहीं आया था पहले? नहीं, अभी फ़ोन किया, 100 नंबर पर आइए। हाँ, और भी लोग हैं क्या अंदर? हाँ जी है। तो ये देखिए और भी लोग फंसे हुए। पानी का आप अंदाज़ा लगाइए कितना पानी है। और यहाँ पर जो है दिल्ली पुलिस के जवान जो हैं इन्हें यहाँ से रेस्क्यू कर रहे हैं। आप आइए बाहर, जितना जल्दी हो सके बाहर आइए आप।